कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद आरजे केयर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी करप्शन मामले में जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर शिकंजा कसते हुए उनसे जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की है। कोलकाता में ईडी की टीम ने आज सुबह 5 से 6 स्थानों पर छापेमारी की। यह रेड संदीप घोष और उससे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर जारी है। ईडी ने आरजेकर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के घर पर तलाशी ली है। घोष को आरजेकर कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में दर्ज किया गया था। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता के धारा 120B, धारा 420 के साथ पठित और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 लगाई गई है, जो एक लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित है। घोष ने फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक प्राचार्य के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2023 में कुछ समय के लिए आरजेकर अस्पताल से उनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन एक महीने के भीतर ही वह वापस आ गए। उन्हें 9 अगस्त को अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद आरजेकर एमसीएच से हटा दिया गया था।